हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी हंगामा रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम है माद और मेरा नाम है खुरम। तो यार, राजू तो इंटर हो चुका है डेनी की जेल में, बिल्कुल, क्योंकि अपने और माँ भी उसको मिल गई है। तो अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। लाला खैर मनाओ अपनी। ओ वही चक्की पी। अभी ये तो सामने अपना बाप ही है, इसका मिल गया है। पिताजी, मैं आपका बेटा राजू। अबे आपको रिहा करने आया हूँ। अबे डायरेक्ट। अबे ये बादल क्यों ऐसी आकर, और इसके बाप क्यों ऐसे देख रहा है? हैं? आज तक वैसे तो कभी नहीं किया इसने बादल ने। ये क्यों कह रहा है ऐसे? अबे ये तो इसका बाप ना हुए ना। ये क्या है? ये क्या सीन है बे? वही तो समझ नहीं आ रहा। बेरुखिया जिसको मारा था इसने राजू ने। तब भी कहूँ कि यार ये बादल क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है? वो जानवर तुमसे ज्यादा समझदार निकला। वो जानवर तुमसे ज्यादा समझदार निकला। तो पहचान गया था ना इसे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सही जगह भेजा है। लो भाई फंसा दिया। देखा, इन्होंने भी आगे प्लानिंग की हुई थी। मगर तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। ले जाओ उसे। ले भाई, पकड़ लिया राजू को। देखा आप लोगों ने कैसा फंसाया उसे। ये टेनी तो बड़ा तेज है। तुम्हारे नकाबों के खेल ने तो कमाल कर दिखाया। आप लोग आजाद सिंह को मारकर अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते थे ना? मेरे बाप और बेटे दोनों को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। वो कैसे? इतना आसान तो नहीं होगा। कल आप आजाद सिंह को ब्लड बैंक ले आइए। ब्लड बैंक? मारो डैनी का बड़ा दिमाग तेज है। इधर तो कोई खून निकालते हैं ना बेचारे गरीबों का। मरो बेरहम, तुम अपने उन भाइयों का खून निकाल रहे हो। हाँ। जो पहले से मरे हुए हैं। लेकिन हैं? ये तो चंद गुलामों का खून है जो मैंने निकाला। अबे राजू, राजू मेरे मालिक अगर हुक्म दें तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों का खून निकाल कर मैं इनके पैरों को भी धो सकता हूँ। अबे ये क्या करने लगे डेनी? नाली के कीड़े और हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों की जिंदगियों में क्या फर्क है? इस वक्त मैं जंजीरों में बंधा नहीं होता तो तुम्हें बताता कि जिस देश में तुम जैसे कीड़े पैदा होते हैं वहां हजारों माएं शेरों को भी जन्म देती हैं। हाँ, ये तो है। ये तो है। लेकिन ये तुम्हारी तो सिर्फ खाल। वही तो समझ नहीं आ रही। ये राजू कैसे हो सकता है यार? गोश्त चबाने वाले दांत तो तुम्हारे कब के टूट चुके हैं। मेरे लिए तुम्हारी गरज बिल्ली की म्याऊं से ज्यादा भयानक नहीं। कह दो राजू ऐसे बोल नहीं सकता। एक मिनट के लिए बदल गया एकदम से। हाँ। जिन अंग्रेजों ने तुम्हारा जमीन खरीदा है वो तुम्हारी बोटियां किस भाव से खरीदते हैं? जब राजू राजू मेरे मालिक, मेरी सरकार, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस गुलाम की खाल को नोच कर उससे बने हुए जूतों से आपके पैरों की शोभा बढ़ा सकता हूँ। क्या सी बातें कर रहे हैं? तुम्हें मंजूर है? अगर ये मौका मुझे दिया गया तो मैं समझूंगा मेरे दुश्मन का पहला एहसान है मुझ पर। तो ठीक है आजाद सिंह, तुम्हें कल ही मौका दिया जाएगा। आज इसके जिस्म से खून ना निकाला जाए क्योंकि कल मैदान जंग में इसका सारा खून निकल जाएगा। यानी के राजू ने ही इसको मैदान जंग की धमकी दे दी। ये कैसे हो सकता है? बेरुखिया। अबे ये दुश्मन बना दिया। आजाद सिंह को तो तुमने भड़का दिया। भड़का दिया उसको बेटे के खिलाफ। कैसे तैयार करोगे? कल जब ओरिजिनल में मैदान जंग में आएगा तो वो इसका दुश्मन होगा। कहेगा तू ऐसे खून निकालता है गरीबों का। मौत और दूसरे की आजादी से होगा।
इससे बड़ी खुशकिस्मती एक बेटे के लिए और क्या हो सकती है कि वो अपनी जान देकर अपने बाप को आजाद। क्या प्लानिंग की है बे? इसका मतलब है कि तुम बिना लड़े ही अपनी जान दे दोगे? एक जान तो क्या हैरी, माँ बाप के चरणों में अपने सातों जन्म कुर्बान करने के लिए तैयार हूं मैं। इतनी जल्दी हम तुम्हें कुर्बान होने नहीं देंगे। हम तुम्हें उस वक्त तक तड़पाते रहेंगे जब तक तुम लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाओगे। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। हेलो हैरी, ये ऐसे नहीं मानेगा। ले जाओ। तो क्या करने वाले हैं? हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक तो। इलेक्ट्रिक शॉक लगाएंगे। इतना टॉर्चर करने के बाद भी वो राजू का बच्चा लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, और अगर हम उसे जबरदस्ती लड़ने के लिए ले भी जाते हैं तो वो अपने बाप के कदमों पर अपना सर रख देगा और आजाद सिंह की हत्या पर कभी वार नहीं करेगा। इसके बाप जबरदस्ती लड़वाना चाह रहे हैं। लेकिन कल एरिना में असली आजाद सिंह नहीं, नकली आजाद सिंह होगा। और इसे देख किसी को शर्मना पड़े डैडी, वो वहाँ बातें भी देशभक्ति की ही करेगा। मेरे ख्याल से जानबूझ के कर रहा है इस तरह। वाह, अब तो राजू को कोई नहीं बचा सकता। देखा मेरे होने वाले दामाद को? ये देखा, आपकी बेटी उसे बचाने की कोशिश करेगी। देखा, सुन लिया था। इसके सामने बोल दिए कि वहां नकली आजाद सिंह होगा। क्या चाल खेल रहा है डेनी यार। राजू, तुम्हें जिंदा देखकर तो मेरी जान में जान आ गई। सुनो, कल अगर तुम आजाद सिंह से नहीं लड़ोगे तो वो बहादुरी नहीं खुदकुशी होगी। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने इन हाथों को अपने बाप के खून से रंग दूं? नहीं राजू, मैं उनका प्लान सुनकर आई हूँ। कल जो तो तुमसे लड़ने वाला है वो तुम्हारे पिताजी का नकाब पहने उन्हीं का आदमी होगा। ओ, इसी नकाब के धोखे में आकर तुम्हें यहाँ कैद हूँ। फिक्र मत करो रूबी, जो आदमी कल मुझसे लड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने कमरे में ना पाकर वो लोग यहाँ आ जाएंगे। रूबी, मेरे पिताजी कहाँ है? उनका पता लगाना तुम मुझ पर छोड़ दो। जो खबर हम राजू को पहुंचाना चाहते थे तुमने पहुंचाकर हमारी बहुत बड़ी हेल्प की। तो नकली आजाद सिंह नहीं, असली आजाद सिंह होगा। अब आजाद सिंह को लेडी हेलेना भी नहीं बचा सकती। ले भाई, मुझे लेडी हेलेना से मिलना है। आप कौन है? मैं राजा आजाद सिंह की बीवी हूँ। आजाद सिंह की बीवी आपसे मिलना चाहती है। ओके, आइए। लेडी एलिना के पास क्यों आई है? मदद शदद के लिए आई होंगी शायद, क्योंकि राजू को गिरफ्तार कर लिया है ना। नमस्ते लेडी एलिना, मैं आपके सामने एक फरियाद लेकर आई हूँ। आपको शायद नहीं मालूम, मेरे पति आजाद सिंह के साथ कैद में गुलामों से भी बदतर सुलूक किया जा रहा है। मेरा बेटा राजू जो अपने बाप को जुल्म से रिहा करने गया था वो भी अभी तक नहीं लौटा। अब आप ही कुछ कीजिए, आपने हमेशा हमारी मदद की है लेडी हेलेना। इसीलिए तो आज इनकी मदद करने वाला कोई नहीं। तुम्हें अपने पति और बेटे से मिलना है ना, चलो ले चलते हैं।
लेकिन तुम्हें जिंदा एक ही मिलेगा, क्योंकि वो एक दूसरे की जान लेने पर तुले। हेलना क्यों नहीं बोल रही थी यार, समझ ही नहीं आ रहा यार, डैनी चाले क्या चल रहा है। ऊपर से बेटे को बाप के खिलाफ कर दिया, बाप को बेटे के खिलाफ कर दिया, यही और, तो और इसका दिमाग मामू कितना तेज चल रहा है, सियासतें चल रहा है। देख उसने रूबी को देख लिया तो कह रहा है कि जो राजू से लड़ेगा आजाद सिंह वो नकली होगा, यानी कि वो हमारा बंदा होगा, उसने सिर्फ मुखड़ पहना होगा और उसका काम आसान होता है। तो वो रूबी जाके राजू को बोल देती कि जो तुझसे लड़ेगा उसने मुखड़ पहना होगा तेरे बाप का। बिल्कुल, फिर राजू भी समझ जाता कि जो मुझसे लड़ेगा वो मतलब नकली होगा। तो वही ना समझ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यार, जो डैनी का दिमाग बड़ा तेज है यार। और अब माता आई है तो वो लेडी हेलेना पता नहीं क्यों नहीं बोल रही थी, उधर से उसको भी गिरफ्तार कर लिया, जो कि अक्सर हमेशा मदद करती थी इसके बाप की और इसके बेटे की, हमेशा इनका साथ देती है यार। और सबसे बड़ी बात ये कि अब फाइट होगी तो क्या दे अलग है, राजा आजाद सिंह जब ये राजू छुड़वाने जाता है तो अलग के घोड़े को पता भी चल जाता है, लेकिन ये समझता है। अब जाहिर बात है मुखट पहनने में उसको राजू को थोड़ी पता चलेगा कि वो उसके पिता है, तो वो देखते हैं कि उसी का ही बंदा होता है। और मैं ये कह रहा था कि यार ब्लड बैंक में क्यों बुलाया राजा आजाद सिंह को, वहां पे भी वो मुखट पहन के उसके बेटे के जो ले रहे थे और वहां पे खून बातें कैसी कर रहा था ताकि इसको दुश्मन बनाए। और क्या प्लानिंग कर रहे थे यार कि अब यानी कि उनको इतना भड़का दिया कि मेरे ख्याल से कि राजा आजाद सिंह राजू का मैं कहता हूँ कि सख्त दुश्मन बन गए, क्योंकि जिस तरह वो खून निकाल रहा था ना और उसके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मेरे ख्याल से राजा आजाद सिंह को तो ये तो नहीं पता ना कि राजू मेरा बेटा है। और अगर मैदान जंग में इनका सामना भी हो गया ना तो मेरे ख्याल से राजा आजाद सिंह जी जो है वो इसको मारेगा अपने बेटे को। और क्योंकि रूबी ने जो सारा प्लान बताया इसको कि वो उसके मुकट में जो है ना कोई और होगा, यानी कि उसके ऊपर राजू भी उसके ऊपर हमला करेगा, क्योंकि वो तो समझेगा कि नकली बाप है मेरा, ओरिजिनल तो नहीं है। तो यानी कि दोनों एक दूसरे को सच्ची में मारेंगे, यानी कि ये कंफ्यूजिंग रहे कि राजा आजाद सिंह को ये लगेगा कि ये दुश्मन है, ये खून निकालता है गरीबों का, और राजू इसलिए मारेगा उसको कि वो उसको पता होगा कि इसके सर पे जो है ना दूसरा चेहरा पहनाया हुआ राजा आजाद सिंह का। तो यार ये तो अब बड़ी कंफ्यूजिंग होगी, अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या, क्योंकि अब इन दोनों की शायद आई थिंक जंग होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो बाय।